भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। कथा प्रारंभ होते तो सुनियो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। ठाणे भक्तन के तुम्हारे भावे था एक, तो भी प्रभु जी राख जो थे टाबर वाली टेक। सिमरू रे देव सनी शर राजा, मनवा चित मारो सारो रे काजा। एक समय में सुनो सब भाई, मोई घरे मिल सभा बनाई। एक ने कयो सुनो सब भाई, पुण बड़ो है आपारे माई। बोलो श्रीश्वर भगवान की जय। बंधो एक समारी बात है, नोएग्र देवता एक स्थान पर भेड़ा वे परस्पर में बात करे कि हे देवता, आज अपन अशुभाग्य है, अशुभ दिन उदय भी है, जो कि आप इस सब एक स्थान पर बेड़ा भी हाँ। अब आप इस कई कार्य करा जिनके करवाओ आपनों कार्य सिद्ध वे या कहीं दूसरा को बोलो वे। तो देवता रा पूज्य मना कि गुरु महाराज केवन लागा बीरा आपने वो झगड़ो पड़िया करे है कि देवता रे मायने वो छोटो देवता कुण है और मोटो कुण है। तो ई शंका ने मिटावारे वास्ते आप यो फैसलो करा कि अपना देवता रे मायने वो छोटो देवता कुण है ने मोटो कुण है। तो सवानी पहली वी सभा रे मायने भगवान सूर्य देवता खड़ा वे और सभी भाया ने केवा लगा। अरे केवे सूरज मारी सामलो रे भाई, सामलो रे भाई, सामलो रे। अरे सुनो रे देवता आवा, ए में सभी में मोटो देवता रे भाई, देवता रे। ए हिंदवा सूरज माले जा, ए में सभी में मोटो देवता रे मीरा, देवता रे। सवेरे पहली वे सवारे माने भगवान सूर्य देवता खड़ा हुए और केवल लगा भाई आप सभी देवता रे मायने मोटो देवता जो मैं हूं, और मैं जद उदय वे हूं तो पृथ्वी के ऊपर अंधकार दूर वे है और ये अंधकार रे मायने प्रकाश करूं। इरे वास्ते आप सभी रे मायने पूज्य और मोटो देवता हूं। सब बड़ा वीर हां साहब। तुम्हारी बात दूसरा ग्रह ए चंद्रमा जी केवल लगा हे भाई, थे से भी झूठ बोल रहा हो और आप सभी रे माने मोटो देवता तो मैं हूं। कौन है चंद्रमा जी केवे? तो चंद्रमा जी ने सभी देवता केवे हुकम ठीक तो है, आप सुख शांति का दातार हो और वास्ते में बड़े ही होगा। तुम्हारे बाद तीसरा ग्रह मंगल जी और सभी देवता ने केवन लगा काई केवे? हाँ सर। ए ती जोड़ो रे ग्रह सभा में ऊठ बोले रे, अरे सभी रे देवा मेरे मोटो देव के बाबू रे, मैं मंगल देवता
दुनिया रो राजा रे ओ बंगाल देवता मंगल देवता परोसेश्वर भगवान की जय। अब के वे मंगल करे के मेरे भाई आप सभी भाई ने मायने मोटो देवता में हूं और मैं जब उदय वे हूं या मैं कनेरे ऊपर नाराज भी हूं तो मेरा खोटा काम वे है और जणी कनेरे ऊपर खुश वे हूं तुम्हारा सभी काम अच्छा वे है ई वास्ते है बिरा मुझसे भी देवता रे मायने मोटो देवता हूं और है गई और वारी बात और भी देवता के सामने के वे भाई देखो मारो काम ए है यानी मैं जणी के ऊपर अति नाराज वे जाऊं घणो नाराज वे जाऊं तो वाने नेत्रहीन या आंखें आंधो कर देऊं कर देवे और जो आदमी आंखियों आंधो हो जावे तो हमारे वास्ते कई करनो चाहे दुनिया रास्ते भी काम में का बेकार हो जावे तो मंगल ग्रह ऐसे भी देवता ने केवन लगा अरे निथारे देवरा में देव झालर कुटिया घर जगसी पवन फकीरे जी अरे निथारे नेणा माई जोत आर स्यों करे जकसी निथारे नेणा माई जोत आर स्यों करे जकसी अरे रेण तले एक समान भाण बली कोई मती रे दी ए दी और तीसरो ग्रह केवन लागो बिरा मंगल जी केवे भाई केवे नीथारा नेणा में जोत आरशम गर्द कसी और रेण दन एक समान निकली भाण बली कोई मती कोई मती केवे है जणी आदमी के ऊपर ओ देवता नाराज हो जावे है मेरा खोटा काम वे है अनिवास्ते के वे भाई सभी रे मायने में मोटो देवता हूँ सब मोटे मोटे हूँ हाँ अब वाने बात बुधवार जी केवल लगा बिरा थे से भी झूठ बोलो हो और आप सभी देवता रे मायने मोटो देवता मैं हूँ जो को बुद्धि को दे वालो हूँ और मैं किन रे ऊपर नाराज हो जाऊं बिना बुद्धि हीन कर दे हूं और जो आदमी बुद्धि हीन हो जावे ओ कई करनो चाहे और कई होवे वो सब खेल मारो है तुम्हारी बात गुरु महाराज बृहस्पति जी वाला देवता ने कड़ी प्रकार समझावे केवा लगा बीरा आप सभी ने मायने मोटो देवता तो मैं हूँ जो मैं गुरु को पद है तेरा मायनारी मारी पन्नोती है और अने संसार में प्राणी मात्र का कई एक दुख एम कई संताप मिटा वालो हूँ केवे है ए मन खजून में जरण मरण मिटवारो मोको रे चोरा सिरो नाको रे मन खसून में जरण मरण मिटवारो मोको रे ये चोरा सिरो नाको रे पा
चेतनो वे तो चेत भाई अवसरनी आवारो रे चौरासी रो ना को रे जून में शरण मरण मिटवारो मोको रे ए चौरासी रो ना को रे लख चौरासी रा मोर चापे भाई झगड़ा लड़ लड़ ले था को रे लख चौरासी रा अब के अवसर यो है भाई दीजे डाकोरे ए चौरासी रो ना कोरे मेरे चौरासी रो ना कोरे यो मन खजन मिलवारो रे मोकोरे ए चौरासी रो ना कोरे मनस जून में जन्म मरण मिटवारो मौको रे ओ चौरासी रो ना को रे गुरु महाराज 84 लाख योनिया ने भुगतवारी बात एक बार मनुष्य अवतार मिले है तो आई गुरु महाराज और रसपति जी के मेरे भाई मैं कई एक योनिया ने मिटावारे वास्ते गुरु महाराज को पद है इस संसार में जो गुरु महाराज सभी दुख ने दूर करे है इन वास्ते हे भाई आप सभी देवता रे मायने पूज और मोटो देवता मैं हूँ मारी बात शुक्राचार्य जी केवल का भाई थे सभी झूठ बोल जाओ और आप हैंग भाई ने मायने मोटो देवता मैं हूँ और आप बाकी सभी देवता छोटा हो तुम्हारी बात ए राहु केतु केवा लगा बिरा ठे से भी झूठ बोला हो देखो बिरा आप सभी ने मायने मोटो देवता मैं हूँ जो कि मारी 18 महीना पन्नौती है और झणीकरी ऊपर नाराज हो जाऊं मैंने कई एक दुख देऊ कई रो कई करना हाँ सर और 18 महीना तक ही उल्टा काम करूं हूँ अनिवास्य सभी देवता ने मायने मोटो देवता हूँ हाँ तो भगवान शनि केवन लगा बीरा थे हैंग झूठ बोलो भाई आप सबरे मायने मोटो देवता तो मैं हूँ भगवान शनि केवन लगा सुनो भाई अरे केवे शनि देव ने सुनो रे मारा भाईड़ा अजी केवे शनि देव सुनो रे मारा भाईड़ा अजी मैं सभी रे देवा में मोटो देवता रे दियो शनि देव सुनो रे मारा भैरा अरे जन्म तई कष्टि मारे पिताजी पे पड़ी मारो रतो ने सार पीरायो रे दियो समाख मारे मारा शनि सर देव ने जावे बजावे जोरे आनंद करे जो अरे जावे बजावे जोरे आनंद करे जो पापी नु ग्राउं दूरो जाई जोरे दियो खम्मा खम्मा मारे शनि सर देवले भगवान की जय हो। अब क्या है भाई मैं सभी देवता रामायण मोटो देवता हूँ भगवान शनि केवल आगे भाई थे सभी छोटा हो और आप सभी भाई झूठ बोल रहे हो आप सबरे मायने पूज्य और मोटो देवता तो मैं हूँ जो मोटे मोटा हूँ हाँ साहब के भाई मारो नाम शनि है और झनी रे ऊपर नाराज जो मुंड रखे ये खोटा काम वे है मोटी पनौती मारी 7.5 वर्ष की है और छोटी पनौती मारी 2.5 साल की है तो आप सभी देवता के वे बिरा आ तो मैं जाना के वास्ते में आप पनौती मोटा होगा लेकिन आप अश्व मोटो कई कार्य करो जन की करवाऊ आप दुनिया में मोटा के वो तो के वहा हाँ भी सुनो मोटो काम यो करो जन्मते ही मारे पिताजी सूर्य देवता हा
वाक्य ऊपर मारी दृष्टि पड़ी और सात घोड़ा घोड़ा जमीन पाई पड़ियो, सारथी चला वालो बेहोश हो गयो। तो बताओ जन्मता ही मारा पिताजी उन्नी टलू तो दुनिया में मैं दूसरों को दी टलूंगा। अब कहे बीरा आप यू भी सुनो, मैं से भी मोटो देवता हूं जो कि मारा पिताजी के राशि के ऊपर भी प्रवेश हुई हूं। हमारी बात सभी देवता के वा भाई, और तो सब ठीक है, पर यो आप दुनिया में अच्छो काम करियो, कारण यो दूसरा ने सिखाओ मती। यानी वही सके आजकल कलयुग है, अणी में तो कटी मोटो बहन बेटो बाप ने दो चार बात कह दे, लेकिन आप जन्मते ही जो दुख देवा लाग जावे या दुखी कर देवे माता पिता ने, वो पुत्र नहीं है संतान है, बड़ो पुत्र नहीं है दुश्मन है। कह वह है जो जन्मते ही पुत्र पिता ने देवे कष्ट में डाल, पुत्र नहीं वो शत्रु है जो है पुरो चंडाल। तो कह वे भाई वो पुत्र नहीं दुश्मन है, और वास्तव में कलयुग कस्यो है एक भजन में लिखियो है। अरे कलू बैठो रे तगत खोटी आएगी वगत, अरे आई रे वगत खोटी आएगी वगत, कलू बैठो तगत असी आएगी वगत। ए बाबू जीरी बात नी माने घर में वाकी मैम, बाबू जीरी बात नी माने आदमी ने लुगाया डरावे असी आ गई टेम, ओ धनी नाम रो फगत खोटी आएगी वगत। कलू बैठो रे तगत खोटी आएगी वगत, अरे आई रे वगत असी आएगी वगत, कलू बैठो रे तगत खोटी आएगी वगत। ए भाया में तो भाई नहीं रे अब तो बनिया कसाई, भाया में तो अरे थोड़ी जमीरे पाछे भी तो कटकट ले मर जाई, भाई भाई रो रगत असी आएगी वगत। ए माया बापरो केणो नी माने बेटा हुक्म चलावे घर में, माया बापरो अरे भूखा घर में लुकाया कमावे रंडवा मोद उड़ावे, जाने जाने रे जगत असी आई की वगत। खोटी आई रे वगत, कड़ू बैठो रे तगत असी आई की वगत। बोलो शनिश्वर भगवान की जय हो। तो भाई जो कलयुग एक अशो है जड़ी में आदमी कई करोड़ों चाहे गान कई विवेगा सबने युग को खेल है, इरे वास्ते या बात आपने दूसरा ने सिखाओ मत कि मैं जन्मता ही मारा पिताजी ने दुख दियो, नहीं तो फिर दूसरा कोई सीखेगा। और क्यों भाई आपनो फैसलो आपनो नहीं बनो है, कारण कि एटे आप सभी समझदार हैं, और जो सभी समझदार हैं तो अपनो फैसलो कौन करे। अब आपनो थोड़ा ज्यादा समझदार वे हमारे पास चलो और बटे चालना अपन न्याय करा लो। तो गुरु महाराज बृहस्पति जी केवल लगा भाई आपन में बड़ा आदमी है देवराज इंद्र, जो कि राजा को इंद्र है, राजा इंद्र अपनो न्याय करेगा और वो राजा को राजा है, तो सभी अपने स्वरण लेवे और देवलोक में मायने गमन करे, देवलोक में पहुंचे तो राजा इंद्र देवता को आनो जान बड़ा खुश हुए और हाथ जो उनके वाला गांधाता आज तुम्हारे भलो ही सोना को सूरज उगो जो कि आप हमारे द्वार पे पधारिया हो, आपके लिए और वास्ते आया हो। तो केवे बिरा सुनो अरे आज रे भलाई दिन
उगियो मारे आज रे भलाई दिन उगियो रे सभी देवता आहो मारे पार बदार्या मारे बारण्यो मारो भाग ने जगाया ओ सभी देव पदार्या ओ अरे हाथ जोड़ी ने याने पूछियो रे भाई हाथ रे जोड़ी ने याने पूछियो अटे कई तो पदार्या हो पाप पदार्या मारे पारण्यो मारो भाग ने जगाया ओ सभी देव पदार्या ओ झगड़ो पड़ो है देवा माया ले रे भाई झगड़ो पड़ो है देवा माया ले ओ मारो झटपट करे दो न्याय मैं थारे द्वारे आवी आओ मारो न्याय कर दी जो रे माने सिख दे दी जो रे बोलो श्री शर भगवान देवता राजा इंद्र केवा लागो बड़ी कृपा की मारे द्वार पे आया हो और आप न्याय के वास्ते आया हो। देखो आप रे माने झगड़ो पड़ गयो है तो मारी बुद्धि और मारो खोपड़ो तो नहीं काम करे है जो कि मैं आप देवता को न्याय करूं। अब आप चाहे एक दिन रो चाहे दस दिन रो अरे और अगर आपने न्याय जो करनो है तो आपने मैं बताऊं वणी स्थान पे जाओ जटे की आपको न्याय होवेगा। कटे जामा भाई बोले मैं आपने बताऊं उठे जाओ कटे तो आपसे भी देवता नोएग्र देवता ने राजा इंद्र कणी भेगा भेजे चटे की बना को न्याय विवे। अरे जाजो रे जाजो थे लगर उजेनी जाजो जाजो रे जाजो थे लगर उजेनी जाजो अबे राजा इंद्र केवे वटे थे साको लिया कर राजो जाजो रे जाजो ते लगर उजेनी जाजो वो था को न्याय करेला देवारो नाम बढ़ेला वो था को न्याय करेला देवारो नाम बढ़ेला अब पर दुख मेटन हार राज वो न्याय करेला था को जाजो रे जाजो ते लगर उजेनी जाजो अबे राजा इंद्र केवे वटे थे ठाकुर लिया करा जो जाजो दे जाजो भाई नगर उजेनी जाजो क्या भाई आप उज्जैन नगर जाओ और वटे राजा विक्रमादित्य है पराय दुख ने मेट वाला राजा है और कोई भी दुखी बना के शरण में जावे तत्काल वे बना को कार्य करे। अरे ये वास्ते आप उज्जैन नगर जाओ और वटे जी ने अपन न्याय कराओ। अरे हेलो भाई सभी अपने अपने सवरे लेवे और पृथ्वी के ऊपर उज्जैन नगर पहुंचे वी गांव री छटा ने देख बड़ा खुश हुए और रावण में जावे तो राजा बनो घणो आदर सत्कार करे। अरे और हाथ जोड़ के वाला भाई आप कई बार वास्ते आया हो तो केवे बीरा आवरो मतलब यो है कि मां के देवता में एक झगड़ो पड़ गयो है वो कई एक छोटो देवता कोणे ने मोटो कोणे इस शंका ने मिटावरे वास्ते मैं आपके द्वार पे आया हां और राजा इंद्र देवलोक रे मानु माने भेजा है इन वास्ते आप जल्दी मां को न्याय करो और माने वो बताओ छोटो देवता कोणे ने मोटो कोणे। अरे तो आप सभी देवता रे आनो जान तो बड़ा प्रश्न हुए पर विचार करे कि जो देवराज इंद्र भी न्याय नहीं कर सकियो तो आपानी की ताकत एक न्याय करा। अब चक्कर यो है अगर ना को न्याय नहीं करांगा तो एक हंसी हुएगा कारण राजा इंद्र अपना दादाजी है इंद्र के न्याति भाई पुत्र गंधर्व सेन भाई विक्रमादित्य है जाने घर मैनावती बहन अरे इन्हें राजा इंद्र की संतान हां और अगर आप इन्हें को न्याय नहीं करेंगे तो दुनिया में हंसी होगा। अब अगर इन टाइम न्याय नहीं करेंगे तो अपने भाई साहब थोड़े दिन पहले एक राजा भर्तृव्या जो ने उज्जैन नगर को नाम ने तख्त ने ऊंचो करो और ने उज्जैन नगर में यने अटु संतवन संन्यास धारण कर और भी गुरु महाराज गोरखनाथ की शरण की केवे Thank you.
परे चवर ढोला वतारे 18 लाख मारा न्याती अरे जोग लियो रे जग जातोली जानियो रे जोग लियो जग जातोली जानियो सिर उदेड़ी ले त्यागी भरतरी आप वण्या वे रागी वारी असीरे राम धुन लागी भरतरी आप वण्या वे रागी थोड़ा हाथा ने वणा घूमता छोड़ाणी सिर उदेड़ी ले त्यागी हाथाने वणा घूमता छोड़ लो सिर उदेड़ी ले त्यागी पिंगला जेड़ी वणा रानी ले त्यागी ओ पिंगला जेड़ी वणा रानी ले त्यागी बड़ी उप्रीत नहीं रावी भरतरी आप वण्या वे रागी वारी असीरे राम धुन लागी भरतरी आप वण्या वे रागी बोलो श्री सर भगवान की जय क्यों भाई येने तन वैरागी जारा मन वैरागी बना की सुरता साहेब से लागी राजा भरत्री योग लियो दी सस्सी वाण दो विसाखी भरत्री टू बढ़िया हा वैरागी अरे अब विचार करे अपना भाई साहब भी अमर नाम की ओर अगर आप ही कार्य नहीं करेगा तो दुनिया रवाने हसी होगा तो प्रधान जी और राजा मिले और उन्होंने सलाह कर और 7 प्रकार की धातु मंगावे अरे और बढ़िया बना का आश्रण होवे और एक कमरा में रख देवे और देवता ने कहे देवता जाओ कशो भी आपको आसन वे बट जी ने आप विराज जाओ अरे और सभी अपना अपना सिंहासन बैठा और बेटा बेटा ने घंटा दो घंटा भी गया अब कोई बात नहीं करे तो राजा विक्रमादित्य ने पूछे आप कण के वास्ते बिठाया माने बोले भाई बेटा बरो मतलब यो है कि मैं का देवता में एक झगड़ो पड़ गयो है वो कही एक छोटो देवता कौन है मोटो कौन है तो इस शंका ने मिटावारे वास्ते आज मैं आपरे पास आया हाँ अब आप यो जल्दी जल्दी बताओ छोटो कौन है मोटो कौन है तो राजा विक्रमादित्य केवे हुक्म मारा पूछ के वाणा जाओ हाँ तो सुनो अंधाता आदि आसन सोना को जानो और सब छोटो लोड़ो पिछाणो जनिकणी के पास सोने की कुर्सी वेगा ओ देवता सबरे माने मोटो वेगा और जनिकणी के पास लोड़ा री कुर्सी वेगा ओ देवता सबरे माने छोटो वेगा अरे सभी अपनी कुर्सियां लेन खड़ा वे तो भगवान सूर्य देवता के हाथ में सोने की कुर्सी ही और ये लोड़ा रो आसन देखे ओ भगवान शनि के हाथ में इन्हें देख और भगवान शनि ने क्रोध आवे और राजा ने कहे राजन अरे राजन सुनो ए मत कर रे अभिमान मान मत मारियो रे जासी रे गर्भ गढ़ जासी रे ए बड़ा बड़ा रे बड़ा भीम वही क्या जो हाथों धरती ले तोली रे अरे झाका बड़ से धरा रे धूधती या खाती झोला रे विसतरा न्याती रे मारियो जासी रे इधर बगड़े जासी रे ए कोरू पांडू रे बड़ भगड़ावत गिरदारे माइले मलिया रे सरी का गर्द मलिया रे ए सतरा न्याती रे
रे सतरा ज्ञाति रे अभिमान मान मत मारो जाती रे गर्भ गड़े जाती रे बोलो श्री शर्मा भगवान की अब के वे राजन कई जान मने तले बैठाओ मैं तो सब में श्रास सवायो अरे राजा थारा जेड़ा कई एक भूपिया उन्होंने मिट्टी मिलाया है और आपकी कई ताकत है जो कि आप मने छोटा बताओ आप पटेड़ो हो मने हाँ सब के वे राम लखन बन गवन भूप मन मिंतात रावण मन लंका दहन था सब मम उत्पाद अरे हे भाई भगवान राम को वनवास में जानो सीता जी को हरण वेणो और लंका रिमान राजा रावण को नाश वेणो और अयोध्या में राजा दशरथ को मरणो और सब खेल मारो हो बाप रे बाप और मैं दुनिया में कई एक काम किया है मारे गुरु महाराज की राशि पे सिर्फ सवा दुगड़ गयो और सवा दुगड़ी मारा ने फांसी पे लटकाया क्या वह शनि महाराज के गुरु महाराज को नाम पिपला ऋषि हो और पिपला ऋषि एक समय कहो कि आप दुनिया रे मायने सबकी राशि पे आओ कि मारे राशि पे आओगा बोले हाँ कतरा वर्ष का 7.5 वर्ष का अरे घना भी जाएगा हुकम छोटी पनौती एक 2.5 साल की और है अरे ये भी तो घनी भी जाए हाँ सर 2.5 साल और एक छोटी सवा दुगड़ी की और है या ठीक रहेगा बोले सवा दुगड़ी रे मायने गुरु महाराज ने भगवान शनि कई खेल दिखावे महाराज देखियो भाई अपने गांव रे पास एक मंदिर है वटे चले चला और सवा दुगड़ी के वास्ते इन सनून की पनौती आप ही बची जावांगा हाँ यार टाइम पास करिए वहां तो आप गुरु महाराज गांव के बाहर निकले और भगवान शनि जावता ने आना ने हेला पड़े और केवल लगा ए गेले गेले जावारे वाला थोड़ो रहे लो हुण जे रे गेले गेले आज शिव गिरी पूजा करवा ले लेता जाजो रे ई मारा खड़बू राशि पे सवा दुगड़ी रे वास्ते प्रवेश करे तो महाराज गांव के बाहर निकले और भगवान शनि एक कीर को बेसुनाई और पांच में हेला पाड़े महाराज सुनो आप सज जाई रहो बोले भाई महादेव जी के मंदिर जाई रहूं तो गुरु थोड़ी का आपने तकलीफ पड़ेगा वाकई एक मैं पहली बार शिव जी को भक्त हूं और मैं भी खरबूजा बेचवर वास्ते आयो हूं आप दो तरबूज शिव जी के मंदिर ले जाओ और हमारी तरफ को धोख लाग जो और उठे भेंट कर दीजियो अब गुरु महाराज देखियो भाई यो भी बढ़िया है दे दे भाई वही समय कीर का वेश में भगवान शनि और गुरु महाराज ने दो खरबूजा दे दे वे मंदिर जाए स्नान कर दूसरा कपड़ा पैर और जद मंदिर में जाने भगवान को स्मरण करवा लग गया अब देखता देखता कई वे यने भगवान शनि सवा दुगड़ी रे मायने कई खेल बता रहे कई माया दिखावे वी गांव में रेवा वाला राजा बिना दो कमर साहब आखिर खेल वास्ती जो रहा अब कह ने दो लड़का दो दिन बाद वापस नहीं आया नहीं आया पैरा वाला समारता फिर रहा और घूमता घूमता वनी जगह आया जन जगह ही महाराज बैठा बैठा भगवान को सिमरण कर रहा शिवालय या मंदिर रे मायने महाराज महाराज लगे आया अब महाराज ने पूछो पैरा वाला के भाई ना महाराज ने पूछना देखा अणी रस्ते तो वह नहीं आया पैरा वाला अरे घोड़ों नीचे उतर और पानी पीवारे वास्ते बावड़ी ही मैं बावड़ी ने माने उतरे तो भगवान शनि कई माया दिखावे
मैं बावड़ी में पानी के शामिल बनाने खून नजर आवे और जब खून नजर आवे तो विचार करे भाई वो शिव जी को मंदिर है अटे खून कहीं करे बाहर निकल और जब वे देखन लगा अपना कपड़ा ने ऊंचा कर तो झंडेगा महाराज तो ही खरबूजा रखने गया है पर वे खरबूजा तो गायब हो जावे और वही स्थान पर राजा कंवर साहब का दो ही कटा शीश से नमाता पड़िया। अरे पहला वाला विचार करे भाई अरे साधु नहीं छलिया है अब समझ में आया है आपानी देवी री पूजा करवर वास्ते ना दो ही पुत्रा ने मार मिटाया है। अरे चलो भाई और तो कोई पाखंड है रावलम पेश करो भाई समय मना रावलम पेश करे और केवे यने आपके दो ही कंवर साहब ने नहीं मार दिया है धड़ तो कुंडरे मायने डाल दिया है और ए सर ए है जो मैं लेने आया हाँ तो राजा वही समय हुक्म देवे जाओ अशा पापी और अशा अत्यारे वास्ते या सजा एक फांसी पे लटकाओ। अरे फांसी रे हुक्म वे और गुरु महाराज सवा दुगड़े माने फांसी के रक्ता पे खड़ा करे अब वहां की अंतिम इच्छा पूरी करने वास्ते केवे आपकी अंतिम इच्छा कही है तो केवे मारे चलो शनि है उन्हें मिलनो है अब शनि को नाम लेवे और भगवान शनि का नाम की आवाज पड़े और वही समय शनि रावड़ा में आवे बोले मारे गुरु महाराज ने टिका लटकाया है भाई और फांसी के तख्ता पर खड़ा क्यों करे आए। अरे केवे भाई थारा गुरु महाराज एडो काम करियो है जो कि मारा दो ही कंवर साहब ने मार दिया है। अरे बोले नहीं हुकम ओ तो भलो आदमी है प्रधान जी जा भी झोली रे माने शीश पड़िया है आप लाइन बताओ उन्होंने अब वे शीश लेवारे वास्ते जावे तो झंडेगा वे शीश दो ही माथा पड़िया है वह तो गायब भी जावे और भगवान अपनी कई माया करे कई माया दिखावे यानी दो ही खरबूजा पड़िया और दो ही लड़का आखेट खेल शिकार खेल और वहीं समय रावण माई जावे। अरे गुरु महाराज ने सवा दुगड़ी की या माया दिखावे और गुरु महाराज के भाई अशो दुनिया ने माने के लिए दूसरा मत लाग जो आप राजन अरे राजन मारी दृष्टि बुरी है राजा मुंह को पूजने का करूं अका जा तो राजा विक्रमादित्य के भाई सुनो अंदता बस शांतों में आपने करूं आप मोटा हो अगर आप नहीं मानो तो मां के रघुवंश में सूर्यवंश में ऐसी रीत आई है मैं आपने बताऊं अंदता एक बार मैं कहता जो बदला नहीं हां रघुकुल रीति सदा से चली आई प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई अतिथि राजा धर्म मित्र काल पर किए चारी भाग लिखा सोई हम को पाना इनरे वगत थाने छोटा रे बोलो श्रीश्चर भगवान की जय हो। अब के वे राजन आपने मालूम है बोले हाँ हुकम सूर्यवंश में श्री चली आई है रघुकुल रीत सदा चली आई माँ को प्राण भी प्रचलो जाए तो वचन नहीं जाई है राजन आपने और मालूम है ना बोले मैंने मालूम है अब जैसी आपकी भावना विश्व कर जो और इन टाइम आप भी छोटा हो और आपको सिंहासन ही छोटो है। अरे अच्छी बात है राजन और इस तुम आपको कहवा चाहो हो राजन आप बड़ा होशियार जो और बाप मैं बताऊंगा कि छोटो हूं या मैं मोटो हूं अजी रावत हूं बड़ो रे दुख पासी सभा में मारी की दीरे हासी हो रावत रावत बड़ो रे दुख पासी सभा में मारी की दीरे हासी अजी राजा विक्रम राव जी रे पर
करमा भगत मने भूल गयो रे इन सबारे मजेदार हो राव तू बड़ो रे दुखवासी सभा में मारी की दीरे हासी उका मारूला वो भुगताऊला रे नक तोड़ूला थारी था भूमि में जाय राजा थले कर दूंगा रे कंगाल हो राव तू बड़ो रे दुख पासी सभा में मारी की दीरे हासी अति राव तू बड़ो रे दुख पासी सभा में मारी की दीरे हासी राव तू बड़ो दुख पासी सभा में थे मारी की दियासी आची। राजा आपने याद आवेगा कि मैं छोटू या मोटू सभी देवता आपने ठिकाने जावे और भगवान से भी आपने घर जावे थोड़े दिन के बाद आपनो भेष बदल अजय रंग का घोड़ा ले और उज्जैन नगर में व्यापारी वन वेचवर वास्ते बहिर वे अरे लट पट बांधी रे माते पागड़ी ओसली दी एकी नो हो दागर वालो बे लटपट बांधी माथे पागड़ी सनी कीदो व्यापारी नो वेश एक व्यापारी वन और सिपराजी की तीर घोड़ा वेचवर वास्ते बहिर वे व्यापारी वनी ना आईडिया है हां सा अब गांव रा लोग देखियो रे भाई घोड़ा तो घणी चोखा है पर एड़ा घोड़ा लेवर वास्ते राजा के सिवाय नहीं ले सके अरे प्रधान जी आवे और घोड़ा दे एक बड़े प्रश्न वे और रावण जी ने अर्जी करे हुकम आपन भी एक घोड़ो लेवा अच्छी बात भाई आपन ले आओ घोड़ो अब केवे हुकम घोड़ो तो मैं ले हूं पर आपके समझ में नहीं आवे तो मारो नानो बेकार भी जावे ई वास्ते आप मारे साथ चलो आप रे अंडा डालना पड़े हां साहब केवे प्रधान जी मारो तो दिमाग खराब ही रहो है नहीं हुकम मैं आपके साथ हूं समझाओ बुझाओ कर और कोशिश कर और राजा विक्रमादित्य ने प्रधान जी अपारे साथ लेवे और वे घोड़ा ले वास्ते वाग में बहिर वे अरे उन टाइम मनरे पास वीर हा और वे वीर जावते समय मनाने केवे कि आप घोड़ा ले वास्ते जा रहे हो यानी आप बढ़िया घोड़ा देकर जा रहा हो लेकिन वे घोड़ा बेचो वालो भगवान सनी है अबे वीर की पुतले वन ने समझावे और क्या मन लगी अरे आज पहली पुतली वो समझावे राजा जी ने अबे थे सुन जो मारी घोड़ा ले वाले मती जाजो राजा जी थेन सपरा नदी रे की जे
है तो अरे मत जान व्यापारी आज राजा यो है सले सर देवता हरे रावण हरे माए अणिले लोड़ा पे बैठाणियो अरे कोप्यो सली देव थरे घोड़ा ले ले आवियो अरे मानु मारी आवात राजा घोड़ा लेवा मती जावजो ए बलि जो घोड़ लाले जाए राजा भंवर घोड़ो मती लेवजो बलले वो भंवर ने जार ऊपर मतला दीन करावजो बलि करो भंवर पर धीन पति था दखन देश मती जावजो अरे मानो रे मारिया वात राजा घोड़ा लेवा मती जावजो जिन आदमी ने आप व्यापारी समझो है वह तो भगवान सनी है और बनारो आप अपमान करियो वे घोड़ा वेचर वास्ते आया है अरे अगर आप नहीं मानो और चलिया जाओ तो वटे भंवर नाम को घोड़ो भी ले मती और अगर ले भी लो तो उनके ऊपर आप जीन कर और दिखर दिशा मायने घूमवार वास्ते मत जाओ जो अरे के वे अब उन्होंने समझावे और फिर भी नहीं समझे गांव रे बाहर निकले तो राजा विक्रमादित्य ने सुकन बड़ा पलो और खोटा वे के वे प्रधान जी सुकन बड़ा पलो वही रहा है और आप ही घोड़ा लेने वास्ते नहीं चला अरे अरे शान बोले रे ए मंत्री घोड़ा लेवाने चाला मंत्री घोड़ा लेवाने चाला हमें शान बोले रे खोटा भी रहा है अरे अरे हुकम आप तो डरो ही गणा हो अरे डरवारी बात नहीं है बोले हुकम आप चिंता मत करो मैं आपके साथ चलू हूं अरे चल भाई अब जो रवाना हुए और घोड़ा तो एक बड़ा प्रश्न हुए और तो घोड़ा सब बार हा और एक घोड़ा ने छाया रे बाने तंबूरे बाने बांध रखियो अरे राजा विक्रमादित्य पूछे प्रधान जी ओ घोड़ा में कई खूबी है कई माया है जो ने छाया रे बाने बांध रखियो है पूछू दाता पूछू पतो लागे कि यो घोड़ो एक भंवर नाम को घोड़ो है अरे हवा और पानी को जोड़ो है अगर नहीं घोड़ा ने बार बांध देवा तो हवा में उड़ जावे इरे वास्ते नहीं घोड़ा ने मन कर रखियो है अच्छी बात है प्रधान जी घोड़ो यूज बाहर निकालो जिनके ऊपर मैं सवार हुए और आपने यो हवा में चाले वो ही घोड़ो चावे अरे अच्छी बात है हुकम वही समय मैंने बाहर निकाले ऊपर जीन करे राजा विक्रमादित्य ऊपर सवार हुए और लगाम लगाई सारा सात रस की पनौती वाले ने हाथ में देवे आ लगाम डबो और घोड़ा के जो चाबुक की ठोके तो घोड़ो उठो आकाशवाणी में जावे और उड़तो उड़तो घोड़ो रानी दलीचा इन्हें राजा के 16 राणिया केवे है तो बना रहे मैंने पहली रानी को नाम दलीचा हो अरे वह महल के ऊपर होन जावे
मेरे ऊपर घोड़ो उड़तो उड़तो घूमतो घूमतो जरा जावे तो उन टाइम रानी दली चा हाथ जोड़ वाला ने केवल आगा अजय थारे घोड़ लारी चाल मन भावे रसिया धीरे चलावो थारे घोड़ा ने अरे घोड़ लारी चाल मन भावे रसिया धीरे चलावो तारे घोड़ा ने अजी रानी दली चा के वे सुन लो महाराजा सोला राणिया रा हो सिर ताजा हरो गर्मियों जीव घबराए रसिया रानी आपको और मारो छेलो मिलनो है अगर भगवान जो आपने और मैंने मिलाया है तो मिलेगा नहीं तो आप घना अच्छा रहो और उज्जैन नगर को राज कर जो राजा विक्रमादित्य रानी दली चाने के मन लगा अरे जा तोड़ा खावंदर ओरे मुजरो जेल जोए रोनी ए जावे जोड़ी रोरे सिरे जाता खामंदरो मुजरो मान जो दलीचा जाड़े जावे जोड़ी रो सिरदार आप रो मारो छेल मिलनो है अगर भगवान आपने मिलाया तो मिलांगा नहीं तो आप घना अच्छा रहियो उज्जैन नगर को राज कर जो अरे राजा विक्रमादित्य भी घोड़ा के ऊपर सवार और घोड़ो ठीक दिखे न सारे मान लंको दिशा में भाग जावे अब चालता चालता घना दूर चलो जावे राजा ने बड़ी जोरदार तरस लागे तो घोड़ा की लगाम खेच रोकना चाहे तो घोड़ो रुके नहीं घोड़े में रुके भारी वनखंड जंगल मोटो यानी जंगल भारी वनखंड छोटी मोटी डूंगरिया भाखड़िया असी जगह लेकिन उतारा जटे की पानी को साधन नहीं अरे घोड़ो वस्या स्थान पर राजा नीचे उतारे अब जो ही घोड़ो नीचे उतरे और पानी की तलाश में पानी रे वास्ते घोड़ा ने एक स्थान पर बांध और राजा विक्रमादित्य घूमता फिरे अब पानी नहीं मिले और पानी नहीं मिले तो राजा विचार करो चलो भाई कहीं गाँव में चला घोड़ा ने जटे बांध गया जैन देखे तो उन्होंने घोड़ो नहीं मिले अरे घोड़ो नहीं मिलवाऊ राजा बड़ा परेशान हो गया मुंडा में बना के जाग आई रहा कंठ मिल गया और तरसा मरता को प्राण जीव जो घबरावे तो गच्छ खाई और वे जमीन पे गिर जावे अरे अब जमीन पे गिर जावे और भगवान से नहीं देखियो तरसा मरता मर जावेगा तो यह जीव दुले हत्या पाती आवेगा
तो मैं इस समय दो चार ग्वाल ने साथ में लेवे और ग्वाल को भेज कर और ठीक उन्हें पानी पिलाकर वास्ते बहिर वेवे। अब जय जयकार का शब्द करता आवे तो राजा विक्रमादित्य ग्वाल बाल ने देख थोड़ा आगे बढ़े और बना ग्वाल बाल ने केवन लगा अरे भाई डारे देख भाईड़ा अरे देख भाईड़ा रे थोड़ो पानी डो रे पानी डो पावे तोरे वाता के तू मर मन री वाता के तू मर मन री वाता के हूँ भाईड़ा रे जीव संतोष होवे और बोले हुकम आप कठरे वो हे भाई मैं हाँ बिरा मैं उज्जैन नगर रहूं हूँ। मारो नाम राजा विक्रमादित्य है। आखेट खेले और वास ने जंगल में आयो और मारो घोड़ो कुटी गायब हो गयो। अरे आप मारो घोड़ो देखियो। हाँ हुकम घोड़ो तो मैंने देखियो पर ओ जरूर है कि आप घना दूर आई गए हो। बोले भाई घनो दूर आनो करनो तो एक परमात्मा की हाथ की बात है और जो भगवान जो करे जो वे है हमारा हाथ की बात नहीं है। पर अभी वो साधन बताओ कि हमारे उज्जैन नगर जानो कितना दूर है। अरे बोले अंदर था उज्जैन नगर और तो 350 कोस दूर है। अच्छी बात है भाई विचार करे। अब छोड़ दिया घर बार पाछे काय ने चोगना लिखा कर्म रे माए सुख सुख पड़ेला भोगना। अरे राजा विक्रमादित्य जुई ग्वाल बाल रे पास सुविधा लेवे और चालता चालता चंपावत नगरी के रस्ते लागे हाथ में सोने की अंगूठी दे देवे और पानी पी रहा अपना जीवन संतोष करे। अरे ए भाई रे मती जो मायड़ लीले दोस रे जामण जाइले दोस कर मोरी रेखा न्यारी रे न्यारी मीरा रे वर्तन चार रे चारारी रे करनी न्यारी रे न्यारी मीरा रे ए भाई एक तो मातीरा रे वर्तन चार रे चारारी रे करनी न्यारी रे न्यारी रा ए भाई रे बेटा
राजा रे दरबार रे तू जोड़ो हीरा रो पार पाइती जो घोड़ा रो सवार रे तू तो रे दाना मांग तो फिरे भाई पति की जो मायण लीले दोस जामण चैले दोस रे करमोरी रेखा नारी रे नारी बछड़ा चार रे चरारी करनी न्यारी रे न्यारी भाई एक तो जीते सूरज सांड दूजो शिव जीरो ना दियो भाई तीजो घाड़ी में फिरे बेल रे तो तोरे बाल दला वीरा ओकिने दोस्त दवाई जरूरत नहीं है। राजा विक्रमादित्य चालता चालता ठीक चंपावत नगर में पहुंचे और विचार करे कि अगर मैं यावाद जैन कहूंगा कि उज्जैन नगर को राजा हूं, यानी नगर रा राजा ने कहूंगा कि मैं उज्जैन नगर को राजा हूं, मारो नाम राजा विक्रमादित्य है, तो मारे नहीं मानेगा। राजा सभी आपनो आपो छिपावे और वी गांव रे मायने रात भर एक टूटी फूटी दुकान रे मायने विश्राम करे। प्रातः काल बाजार में दो चार चक्कर लगावे तो एक मंगनी राम जी नाम का सेठ जी बनाने केवे आप कटरे वो हो और मारी दुकान के बाहर दो चार नान घूम गया हो तो अन्न कोई मतलब है। कई बात है केवे हुकम, मैं उज्जैन नगर रहू हूँ, मारा देश में इस साल बरसात नहीं वरी, इरे वास्ते मैं आपका देश में मजदूरी करवा वास्ते आयो हूँ। दान की करवाया दान की है। हाँ, तो उन्होंने पास में बिठावे और बोले आप कई मजदूरी करोगा, बोले आप जसो भी काम बताओगा वसो मैं काम कर लूंगा। हाँ सब अब के वे राजा वा चौदह विद्या निदान हा और घंटा दो घंटा सेठ जी दुकान पे बैठे तो वे भाग्यशाली राजा हा, भाग्य सफल हो। अनिरे वास्ते राजा विक्रमादित्य बैठ भाऊ और मैं दुकान पे बैठ भाऊ सेठ जी ने मालूम पड़ जावे। अरे कई मालूम पड़े, इन्हें सेठ जी की दुकान पहली बड़ी जोरदार चालती ही, कतरी जोरदार चालती ही, इन्हें 13 दिन में 3 ग्राहक आवता उन्हें की दुकान पे। हाँ साहब, और झंडन भी बैठा थोड़ो सामान विक्यो तो उन्होंने पूछे आप अपनो गांव नाम पतो ठिकानो बताओ और आखिर अपनो परिचय बताओ का आप कटे रे वो। अरे तो राजा विक्रमादित्य सभी अपनो आपो छिपावे और हाथ जोड़ के मन लगा भाई के बे। अरे नगर उज्जैन में मु रेऊ हूं महाराज हुणो नगर उज्जैन में यू महाराज बिको मारो नाम के वे महाराज साहब मारो हेलो हमड़ जो अरे हेलो मारो हामड़ो सली महाराज रामा हेलो मारो हामड़ो सूरज करे अवतार हुक्म करो तो दड़िले देवरा तैयार साहब मारो हेलो हामड़ जो नौकरी करवाने अटे आयो हूँ चाल भाई नौकरी करवाने अटे आयो हूँ चाल सरने आया री तड़ी राखो मारी लाज साहब मारो हेलो हामल जो केवे। अब राजा विक्रमादित्य विचार करे सेठ जी के बटे हुए धंधो करवा लगा, धीरे धीरे धन बढ़े धीरे सब कुछ हो, माल नीचे सो गड़ा तुम ऋतु आए फल हो। सेठ जी के घर पे यानी विका जी धंधो करवा मना करे 1000 रुपए की संपत्ति भी जावे। विका जी ने नहीं कहे कि आप कहीं काम करो, आपकी इच्छा हो तो काम करो,
नहीं तो आप आराम होता रहो। अरे राजा चौदह विद्या रा जानो वाला हा, अब इत रहूं करता करता ढाई साल तो ना निकलया, और ढाई साल के बाद भगवान शनि अपनी पनौती को पलटो देवे। अरे तो कहीं होवे एक दिन विका जी रोटी जीवन वास्ते कमरा में जावे, तो जी कमरा में बैठा बैठा देखे रोटी जीवता देखियो तमाशो और नरपति का मन आयो हंसो। रोटी जीवता तमाशो देखे तो कई एक सेठानी जी को 1.25 करोड़ को हार एक खूंटी के ऊपर पड़ियो। विका जी जो रोटी जीमे वह खूंटी एक एक मने ने अंदर खींचे, इन्हें मायने खींचे। अब देखता देखता रोटी जीम और चुड़ू कर निवृत्त हुए, वटा तक उन्हें खूंटी के ऊपर हार गायब हो जावे। अब यह बात कोई नहीं जाने, विका जी बड़ा मन में विचार करे कि मैं चौदह विद्यारा जान वालों हूँ, उज्जैन नगर को राजा हूँ, ठिकानों को ठाकर हूँ, पर यो ऐडो खेल मारे घर पे नहीं है। और देखता देखता फिर खूंटी के ऊपर पूरा हार गायब हो जावे। विका जी एक गहरा विचार में पड़ जावे और रोटी जीम और अपना धंधो लाग जावे। थोड़े दिन के बाद नया दिन आवे चेत मिनो और सभी सेला शीतला माता पूजा से जावे, स्नान कर दूसरा कपड़ा पहर और खूंटी के ऊपर जो हार पड़ो जाए समाने तो हार नहीं मिले। हार नहीं मिलवाऊ बड़ा परेशान हो जावे। सेठानी विचार करे कि एक दिन विका ने रोटी जीम वास्ते खेलो छोड़ियो तो वो अपनो 1.25 करोड़ को हार ले गयो। हाँ साहब, लड़की ने कहे छोरी ने छोरी जा दुकान पे जा और थारा पिताजी ने अपनी बात की खबर दीजिए कि अपने घरे रोटी जीमवार वास्ते विका जी आया है तो 1.25 करोड़ को हार लेने चले गया है, वो जल्दी मारो हार देवा भाई। अरे और सभी सेलंग के साथ भाई साहब सीतला माता पूजन वास जावे सेठानी जी और मातेश्वरी ने कही कहे अजी मारा मन में हो मारा मन में लगन है गजब की में जाऊं जोगणिया माता जची दी मारा मन में हो मारा मन में लगन है गजब की में दऊ तो गणिया माता जचगी ए उंडा उंडा खादरा में बेटी मारी मात उंडा उंडा खादरा में ढोल नंगारा शंख बाजे झालर री जनकार ए जटे जातरी नाते है दे दे ठुमकी में सौ देखण ले मारे जचगी आजी जचगी रे मारे जचगी रे मारा मन में हो मारा मन में लगन है गजब की गिरजा सहित मां देवी राजा हेड़ मस्त्रो स्थान ए भोड़ा नातरी जटामू गंगा खड़की में सौ नावण ले मारे जचगी अजी जचगी रे मारे जचगी रे मारा मन में हो मारा मन में लगन है गजब की बोलो सनेश्वर भगवान की जय। अब क्या भाई भले प्रकार उस सीतला माता पूज और वापस दुकान पे आवे। अरे और दुकान पर खबर लागे कि विका जी अपन हार ले गया है। सेठ जी विचार करे विका जी चोरी करवा जैसे आदमी नहीं है। अरे और आज दिन पहले अपने घर चोरी नहीं किए। छोरनी के वे छोरी ठीक तरह घरे हमार जो अगर हार मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मैंने खबर दी मैं दूसरा हार लूंगा। सेठानी भी दुकान पर आई जावे कि वे सेठ जी विका जी अपने घर चोरी की है और कई अपना 1.25 करोड़ को हार गायब भी गयो है, मारो केन मतलब यो है अणी विका ने रवाना कर दो
एड़ो चोर नौकर अपन नहीं चावे। अशो नहीं चावे, चोर है तो। हाँ सर, अब सेठ जी समझावे, देखो आप धीरव धारो और इनको चोरी करवा जेड़ो नहीं है। बोले आप चोरी अगर इन्हें रखोगा और इन चोर ने अगर आप रखोगा तो मैं माँ दो ही माँ बेटा जीवित नहीं रहूंगा। हाँ साहब कह वे मैं आत्महत्या कर जाऊंगा तो सेठ जी समझावे और पढ़ाने घर भेजे। बोले आप आत्महत्या मत करो और मैं कई कोशिश करना आपको हार लूंगा। और विका जी ने पास में बुलावे और कह वे विका जी एक दिन आप रोटी जीम रहा उन टाइम खुंटी ऊपर जो हार पड़ियो हो वो हार आप देख रहा हा शायद आप जेब में रखियो है या वटी रखियो है यानी वो हार नहीं मिलियो मैंने। विका जी कहे मैं नहीं लियो और वीती बात यानी यूं कहे खुंटी के ऊपर हार गायब हो गयो खुंटी हार खाएगी तो यो कोई नहीं माने। तो इतना 5-7 जना भेड़ा में गया और उन्होंने पकड़ रावण ले गया। अरे राजा मनोरथ राय के सामने पेश करे तो राजा मनोरथ राय के बीरा बलो मनक दी के सब माए राजा के वे चोरियो नहीं। अरे राजा मनोरथ राय के मन लगा है बीरा अरे भलो रे मन कदी खेरे सब माई राजा के मेरे चोर यो नाई परो तेरे हा परोदे हार जीव का डोले मारो नगरपति सेठ झूठ नहीं बोले। अरे हाथ जोड़वी का जी केवा लगा हुकम खोटी दशा में मैं रोटी खाई जद मना लिदा मारे पे चोरी आई। अरे बिना लिदा मुंह कटू लाऊं आप क्यों जिंदा मुंह होगन खाऊं या तो बदनामी आएगी बदनामी। हां साहब मारे पास कोई आपको हार नहीं है। तो सेठ जी केवन लगा हुकम वो पक्को चोर है। अरे और इन डाकू जान जो अंदर था ये नहीं ये ने थोड़ो पिटोगा और कूटोगा जैसे सच बोलेगा। अरे ठीक भाई कोटवाल कोई हाजिर है तुम्हारी समय भगवान से एक कोटवाल रो भेष सुनावे। अरे और के हाँ हुकुम हाजिर हूं जाओ उन्होंने एक तरफ ले जाओ और पीटो कुटो और सच बोलाओ। अरे तुम्हारी समय उन्होंने एक तरफ ले जावे और खूब पीटे आंखें में आंसू आवे और वही कोटवाल ने केवे बिरा थोड़ो ई कोयडा ने डंटिया ने धीरे आवा दे मारा भाई मैं कभी मार नहीं खाई है। अरे धीरे रे आवा तेरे थारो को एड़ो हलकारा अरे मैं नीली तोरे थारो हार हरियो सोला राणिया रो रे सिरदा
दोरे ती दोरे देवी देव तारे वीरा मारे पास कोई आपको हार नहीं है जू जू पड़े झीणा ओझका रावण या नगर उज्जैनी आवे याद याद एक दिन में उज्जैन नगर को राजा हो मैं सोड़ा राणे को सिरदार हे वीरा मारे ऊपर भगवान उठा है ई वास्ते मैं अटे दुख हुई हूं और आज मारी दशा है कि चंपावत नगर में लोग मने पीट रहा है कूट रहा है हे वीरा कोटवाल अत्रोक एहसान कर अत्रोक तू ध्यान रखे नहीं कोयडा ने डंटे ने धीरा वादे मारे भाई मारे पास कोई आपको हार नहीं है हाँ सर के भाई अब आगे खूब पीट वाली बात लेजेंड पेश करे बोले अंदर तो आदमी सच नहीं बोले आज ने पेन गई और सजा देनी पड़ेगा हाँ सर तो केवे राजा मनोरथ रायवड़ा ने समझावे बीरा परो देहार जीव का डोले मारियो नगरपति सेठ झूठ नहीं बोले तो केवे हुनो हुकम मैं आपने कतरो भी सच बोलूंगा वास्तव में झूठ वेवेगा कारण की मारे ऊपर भगवान उठा है और कर्म गति बलवान जगत में वेवे है कोई नहीं मिटे सके है राजा विक्रमादित्य विका जी ये न मन समझावे और केवा लगा एक कर मोरी रेखा काडोडी ना अटले या कर मोरी रेखा काडोडी ना अटले अजी ताडोडी ना स्वामित्र जी रे लिख लिख अंक धरे भाई करु वशिष्ठ भी स्वामित्र जी लिख लिख अंक धरे अरे दशरथ मरण हरण सीतारो दशरथ मरण हरण सीतारो राम जी जंगल में फिरे कर मोरी रेखा काली बिना को नीरे कड़े भाई मात पिता रो खांदे कावड़ सरवण लिया परे ए शब्द भेदी बाण छूटो शब्द भेदी बाण छूटो लाग ताई प्राण तजे कर मोरी रेखा काली बिना हाथ मेरे भावी होच करे अरे सुरदास आसा रघुवर री रे सुरदास आसा रघुवर री फेकड़ी रो होच करे कर मोरी रेखा काडोडी ना तड़े अजी टाडोडी कर्म गति बलवान वे टाले नहीं चले और के वे अब मैं बार बार आपने केरू अंदा था हमारे पास कोई आपको हार नहीं है राजा मनोरथ राय के वे देखो हमारे नगर में चोर थी लेखो आस पास चौकस कर देखो हमारे नगर में मैंने चोर आदमी ने एडी सजा दू शायद वो जिंदगी भर तक याद करते रहे हाँ साहब तो के वे जाओ आने के बाद यह सजा है अब
राजा वचन दियो उत घरी अणि चोर ने चोरंगो करी। अरे जाओ गांव रे बाहर ले जाई और हाथ पर काट शमशान घाट पे गुड़े जो। अरे अब हुक्म है तई जल्लाद पकड़ और गांव रे बाहर ले जावे और मेरा हाथ पर काट शमशान घाट पे गुड़े देवे और गांव रे मायने से आवाज देवे, अगर कोई भी बोलेगा तो सजा पावेगा। अरे तो कोई बोले नहीं, कोई भलो आदमी रोटी को टुकोन आग जावे, पानी की ढीबरी पड़ी पानी भर जावे और आंखिया में आंसू आवे, रोवे चिल्लावे और हाथ पर कटिया का छेटी पड़िया का काल होने का टींचा मारे, आकाश में बरसात वरे तो कोई छाया नहीं करे, अरे सर्दी जो पड़े तो कोई ओढ़ावे नहीं, वरसात जो वरे तो कोई ऊपर छाया नहीं करे, एड़ी होने की दशा वेरी। और काक कावड़ा जो मैंने टींचा मारे तो वे हाथ में खावे तो उन्होंने कहे भाई थे इन हाथ में खाओ मत, और मारो यो अंतिम संदेश जो आप उज्जैन नगर में ले जाई और मार रानी दली चंद दे जो। हाँ दे दो। हाँ साहब, और कहे मैं क्यों आवाज जैन आप सुने जो मारे कोनी रे मिलनी आरो जो अब मारी सारे से जोड़ी रे साईबा का तोड़ी अबे काली रे पाकारी काली कागली उड़े करे परी कानी दा वो। अरे मारे रे हाथों रे वाली आंगड़ा अबे तू मारा रे देखतड़ा मत खा अबे ओ रानी रे दलीचा वालो हातो अरे दीने दी जोरे उजेनी जाये ले रानी दलीचा करे गाइन राला सारे जोड़ी साहिबा कहाँ थोड़ी नी मारे मिलवारो जोग काली पाकाली काली कागली उड़कर परी कानी जाए मारे हाथा ने आंगला थू मारे देखता मत खाए यू हथवेलो जोड़ो दलीचा कामनी यो तो वणी को हाथ विने उज्जैन नगर में दीजो रानी दलीचा करेगा इंडा लाड जो सती वेवला होड़ा कामने भी देखे वना रे पियोजुरो हाथ के वे अणी प्रकार करता करता अब ढाई साल उन्हें शमशान घाट में निकाले और ढाई साल बाद भगवान शनि अपनी पनौती को पलटो देवे और भगवान सिंह ने याद करे फरियाद करे हेला पाड़े ने केवल लगा अनि ढांडा ढोरना मरकट माते चोरंगो दुख पावे है दियो चोरंगो दुख पावे है तरे तरे का दुख देखा तो याद शनिश्चर आवे टाबर फाटा की मारे लटीन कम तू विच टीड़ा
रतन सियासन ऊपर बैठो चवर डुला तो मोदी बैठो चवर डुला तो देशपति उमराव दिलायत सब मुद्रा पर आता था छुटे अबे रोना दी गुण जाने क्या क्या होना अब तू त्रिलोकी नाथ बना करे बाग में आग लगावे तरे तरे को दुख देखा तो याद समीर आवे भगवान की जय के वे एक दिन वो रतन सिंहासन पर बैठो चरण डुलातो हो अरे देशपति उमराव जिलाए तो सभी मुजरा पे आता है अरे और 16 राणा के संग उज्जैन नगर में खुशी रहते हो अब आज जो क्यों तो कौन माने मारे चुरू को कलंक माथे लागो है आज कोई नहीं माने क्यों तो के वे हुकम दुख देखिया छूटे नहीं रोड़ा कौन जाने आगे क्या बहना है और अन्य प्रकार भगवान ने प्रार्थना करे और यूं करता करता 2.5 साल शमशान घाट में निकलिया अरे और 2.5 साल के बाद एक दिन पुर में रे वाला भगवान शनि जो पनौती को पलटो देवे तो वही गांव में रेवन वाला गासी बा तेली और तेल को डब्बो माता मेल गांव में बेचो रहा जा रहा लोगारी भारी भीड़ देख और मैंने पूछे लोगा ने भाई इतने अतरा लोग भेड़ा कहाँ भेड़ा हो कहाँ भेड़ा भेड़ा कई बात भी पूछे हुकम इनो मतलब यो है कि इन्हें आदमी चोरी की थी और चोरी करवा कानी का हाथ पैर कटे आए अरे और अन्य आरोपों या सजा मिली जो उन्हें शमशान घाट में पड़ो है अब गासीबा बड़ा विचार में पड़ जावे आंखें माइस आंसू आवे और भगवान को प्रार्थना करे भगवान ने केवे अता अंदा था आप कटे कटे तो अशोक खोटो काम करो हो कि लोग आप परेशान हो जावे गासीबा भगवान ने ओड़बो देवे और केवन लगा एसुआ भाई रे लाल एक केसर ने कस्तूरी काली का की दी कादियो हड़ दिने रंग मारा रात यो तरी रे वातारो थाले ओड़े वो एसुआ भाई रे लाल अरे एक लो मत कर जो वन मेरू कड़ो अरे मती करो काया रो मैं आपने घना ओलबा दे हूं कटे तो आप से खोटो काम करो लोग आपको परेशान हो जावे अरे और काशी माने केवे मेरा थारे पास तेल है भगवान आपको भलो करेगा आप ऐसे करो मारे चार प्रा तेल कौन दे दो अरे जणु कोई वेवेगा कि माखिया पट्टी थोड़ी दूर वेवेगा और मारे घाव तनेरी आनी वास से थोड़ो फर्क पड़ जावेगा नरम पड़ी दागा नरम तेल लगाऊं हां साहब तो वही समय चार पड़ा तेल का उंदे देवे दूसरो तेल लेट वेचर वास से चले जावे अरे दुकान पे नहीं जावे रास्ता वाला को तेल बग्यो और उन्होंने चार गुणी कीमत मिल गई तो विचार करे भाई गासीबा वो आदमी बड़ो भाग्यशाली है अणी के चार पड़ा हमेशा तेल का उंदा मंगा पड़ के खोट नहीं होगा तो अणी प्रकार हमेशा को प्रण कर ले और चार पड़ा तेल का उंदावे तो गासीबा करे 1000 रुपए की संपत्ति भी जावे और यूं करता करता थोड़ा दिन व्यतीत हुआ और एक दिन मन में विचार करे और केवन लगा और अपन घर जाई और तेलन माने क्यों तेलन वही सीखे तो आदमी ने आप घर लिया खम्मा खमारे मारा शनिश्चर देव खाणी जग में ज्योति सवाई दियो मर शनिश्चर देव ने
परमेश्वर भगवान की जय हो। अब जब ये नहीं घासी बात तेली घरे जेन तेलन माने के वे देखो और राजा मनोरथा एक आदमी ने चुरंगो कर है अरे? और वीरे चार पड़ा तेल का होना हूँ अपने घर में संपत्ति भी है मारी ऐसी इच्छा है एड़ी भावना है कि बिना पर घर ले हुआ अरे तेलन माँ तेली राज खुश हुए और रावड़े जेन अर्ज करे और तेलन माँ और तेली राज के ऊपर खुश हुए राजा के आप घर ले जाओ और खुशियों राग जो अरे प्रेम उन्होंने घर लावे और अब वे कार्य केवे का आपने कई काम बताओ बोले हमारे पास तो कोई कार्य है नहीं और आप एड़ी करो मारे यहाँ घाणी फिर एटे बैठ जाओ और किंटे भी बड़ा रुक जाओ तो आप तचकारी कर दो ताकि चालिया करेगा मैंने बात तो हाँ साहब तो घाणी के ऊपर बैठ जावे और अपना टाइम व्यतीत करे एक दिन सावन भाद वाला दिन हा झरमर दिन बरसात जो बरसरी और अंधेरी रात ही उन टाइम में माने भगवान ने याद करे और आधी रात के समय विका जी भगवान ने प्रार्थना करने कई केवे कई केवे है देखो अजी किन पे करो किरतारियो आमनो किन पे करो जी किरतार आमनो अरे गुस्सो करो तो हिरणा कुछ पे कर जो यारी से करो तो हिरणा कुछ पे कर जो वणी सतायो पहला सतायो बस पहला इस करो राजा रावण पे कर जो एकी वणी चोराई घेरियारे पितू मात वणी घेरियारे पितू मात आधी रात में लेकर भागा थाने ले गया गोकुल गावियो आमनो वणा पे कर दो जी मारा चाकर चरणारो जाने आमनो आपे कर जो जी मारा क्या वे हुकम भगवान श्री ने घाणी फेरता जावे आधी रात समय प्रार्थना करे और केवे अंदाता अत्रो गुस्सो और अति रीस करो तो आप कहीं पे करो अरे रीस करो तो मामा कंस पे कर जो हिरणाकुश पे कर जो या राजा रावण पे कर जो अंदाता मैं तो आपके साथ की धरनी की है और आधी रात के समय वो राग गावे अणिका प्रताप हूँ कई विवेक उन्हीं गांव में वना तेल वना बाती दीवा जल जावे राजा की राजकन्या महल में होती उन्हें नींद जागे और विचार करे मारा बाप मारे गांव में शुकुन गई रो है छोरिया जाओ पतो लगाओ कौन गई रो है दासिया दौड़ती फिरे घूमती फिरे पूरा गांव में पतो लगावे और घूमती कौन तेलिया का मोला में जावे तो घासी बात तेली के बटे जाए देखे तो वो घाणी फिर राग गई रो अब इन्हें देख और आईन के वे दासिया भाई साहब आप जो विचार करे और जो खबर मंगाई है वो तो एक विको है चोरंगो है भाई साहब की वेदाशा वो कोई भी है पर अशु राग गावड़ो आदमी मारो पति और मुख अर्धांगनी हूँ बस आज भी मारे पति हम दिल दो में हाँ साहब और अगर मैं जीवित रहूंगा तो उनके साथ शादी करूंगा नहीं तुम्हारा प्राण नहीं खोई दूंगा शादी करूंगा तो हाँ साहब अब भाई साहब दासा सब सुजावे और मेल में चढ़े आधी रात के समय राग गावड़ा आदमी याद करे और भाई साहब उन्होंने कई केवे दीवाना रे मिलवा जो रे मारा मेल में ए वट्टे मारे कोली रे आवड़ी आरो चोग प्रेमी रे मिलवा जो रे मारा मेल में ए प्रेमी रे ढोलो डालूंगा वादल मेला में ऊपर फूल डारी
साथ रात रुना ने केता रहा और प्रातःकाल विस्तरण छेटी कर मुंडा रे ऊपर ओणी ओढ़ और हुई जावे दासिया माने से भी जगावे नहीं जागे रे। राज माता ने खेवे माँ बेटी हसनवंती जागने रही है तो राज माता आवे वाला ने केवन लगा अरे कुण थाने बोलियो ए भाई सा मारा बोलना बेटा आपने कने कही क्यों है माँ मारे ऊपर कोई नहीं रोपियो मारे पे तो मारो साहेब को प्यो अरे। अगर आपने जीवित चाहो तो उन्हें चोरूंगा के साथ मारी शादी कराओ मनीष करूंगा। हाँ साहब अब राज माता खूब हमजावे नहीं हमजे राजा भी हमजावे तो भाई साहब नहीं हमजे नहीं शादी मनीष करूंगा। हाँ साहब तो वही समय राजा विचार करे भाई अना क्रम में इश्यू लिखियो है अब वही समय राजा पहरादार ने भेजे और घासीबा तेल ने बुलावे और गासीबा तेली रावड़े हाजिर वे बोलो अंदाता कई कारण है गासी आन सलाम करी अरे प्रणाम करे अंदाता कई कारण आज मैंने याद करियो है अरे गासी जी थाने करे एक चोरंगो जबरी वणी को व्याह मारी कमरी थान करे चोरंगो है उनके साथ मारा भाई साहब रो व्याह करनो है अरे नहीं हुकम आप राजाओं में आपकी रेत हाँ और अश्व आप बात के हो तो अच्छा नहीं लगे समझाओ बुझावे और उन्होंने केवेरे भाई थे तो बढ़िया की दो कि उन्हें अवेर राखी रखी हुए और मान लो कटी गड़ियों गड़ियों ऊपर जाते तो मैं कटे समार तो भी नहीं कटे हमारी लाद है फिर शादी कटू कराया था इन्हें। हाँ साहब तो वही समय लगन पत्रिका लिखा हुए तो लगन अच्छा ही जावे अरे और शुभ रेखा का लगन घर लेन जावे तेलन माने केवे तेलन अणी मौके अगर 2-4 हजार रुपया माते भी जा तो होज करो मत कारण की इन्हे और बरात रावड़े जावेगा अरे तो तेलन मां रावड़े ने अर्ज करे हुक्म मैं भोड़ो आदमी हूँ और मारे बादशाह भी बोला आदमी है मगपात्री संपत्ति नहीं जो कि मैं आपके रावड़े व्याप करवारे वास्ते तोरण बांधवर वास्ते आई सका अरे विश्वास देवे और के भाई जितरो चावे उतरो खर्चो मारे रावड़ा में ले जाओ जो और आप प्रेम व्याप करो मौका। हाँ साहब तो अब व्याप करे और विकाज ने प्रेम शादी रचावे और अब वना के हल्दी पिटी करे विकाज ने मंगल गावे और तेलन मावना ने कई कहवे अरे चंदन रोबा जोटियो ने मोती उजड़ियो हीरा रोबा जोटियो ने मोती उजड़ियो अबे घासी बाहरी का थाने बापो लाड़ लड़ा थन बाजो टे बेटावे बाजो टे बेटावे थोड़े हड़ ढोला रे ढमोड़े पर नहीं लावे ओ लड़ लड़ा थाने बाजो के बेटावे ए भाई भाई मादड़ियो मतराई ले बजरे बांध किड़ी की नजर लागेला ए था तो धमक तो वटिए मती जाय तोरा सिरी नजर लागड़ी ए थे तो जमक काकड़ में मती जावो गवाड़ियारी इंद्रिया लागेला बोलो शनिश्चर भगवान की। अब भले प्रकार उन्हें हल्दी पिटी करे मंगल गावे और गांव रे मायने वहां की 10 दान मंदिर निकाले अरे और एक दिन वो विवेक पूरा गांव रा व्रत नहीं लेवे और गासीबा तेली विका जी की व्रत सजाई और राजद्वारे तोरण बांधने वास्ते बहिर वेवे अरे राजा विचार करे भाई आपने के लिए नुत्यार नहीं बुलावना अब कारण की यह लड़की एक ऐसी है कोई भी आईन देखेगा तो केवेगा और तो सब ठीक है अपनी वींद बड़ा उत्सुक बढ़ियो अरे ई वास्ते उन्होंने कही अपने रावण में नुत्यार नहीं बुलावे और अब भाई साहब के यने व्याह की तैयारी वेवे
भाई साहब के घरे बड़ी खुशी हुए, सेना मंगल गावे और वीका जी तोरण बांधे उन टाइम सभी सेना के भाई साहब आपकी वींद्रा जाएगी आप देख लो। अरे तो तोरण बांधे उन टाइम सभी सेना के साथ भाई साहब निर्भर वास्ते आवे और वीका जी तोरण बांधे कही कहे अरे बाज भाई सारा राई वरले वरे मामा सारे करे सारे घरे नूतिया वटे वाले माम्या सजी माई राज सके लीली चगली लो पूत वांगो ने सतगुरा पूत वांगा चुंगा करे सलाम एक सलाम भाई तुझी सलाम तुझी सलाम गुरा पिरण सलाम छोड़े दादा सारी प्यारी अबे को कामण करता तो पेली के ताबे तो चा कर थारो राज अब क्या है पहले प्रकार वाला ने शादी वेवे और सखिया मंगल गावे और उन टाइम जनी टाइम वाला ने मसकरी करी भोजे गलो हथवड़ो कड़ू जोड़ो मारी भाई अरे खनी हाउ अच्छा राजा हूँ हाथ पिलावता या शादी करता तो आपको जीवन खुशी व्यतीत करता शादी की थी। हाँ अब ये चौरंगो है अने के साथ व्यायाम करूँ आपका ही फलीफूत होगा फिर भी न्याति गोती कुल परिवार से भी लोग मिले प्रेम शादी में और बाद में गावती बजावती से भी सेना मिल और उन्होंने जाने वासा ग्रेर तक पहुँचे देवे अरे! ए रमता बाबू सारी पोड़े कोयल मारा हिंड चाल्या ए आंबो पाकोए भाई सामान ए पाकी भगवान की अब क्या है पहले प्रकार उन्होंने मंगल गावे और गावता बजावता ढोल नगाड़ा बैंड बाजा के साथ जानी वासा के डेरे पहुंचे देवे अरे और दो चार दिन रुकिया अब एक दिन संध्या समय भाई साहब उन्होंने रोटी जिमा और वास्ते जावे और हाथ जोड़ प्रार्थना करने केवल लगा हे प्राणेश्वर आपके साथ में शादी की दी अरे आप मारा पति हो और मैं हमेशा या हर समय आपके साथ मारो पतिवर धर्म निभाऊंगा आपकी सेवा करूंगा अरे पर मैंने और वो राग होना हो जो आप आधी रात में गायो हो अब भाई साहब की आवाज सुन विका जी कहीं जवाब नहीं देवे चुपचाप हो जावे विका जी के की तरफ देख और भाई साहब भगवान प्रार्थना करे अंदर था दुनिया मारे ऊपर नाराज है पर आप मारे ऊपर नाराज हो मती अरे और विचार विचार में हो जावे उन्हें नींद आई जावे भगवान सांवरिया सेठ ने प्रार्थना करे और भाई साहब विचार में हो जावे अब हमारे बात विका जी उठा मेरे भगवान ने केवल अंदर था मारो घर छोड़ायो गांव छोड़ायो मैंने देश छोड़ दे भाई और मारे माते चोरी को कलंक लगाई और आप अटा तक की मना है यानी अटल शादी करे थी वो घणो खोटो काम करियो है अरे है ना 16 राणे मारे घर है और मैं अटे शादी कर वो कोई जरूरी नहीं हो मैं आपने घणो ओड़बो तू अस्सी गद्दारी के दूसरी जगह मत कर जो अब भाई साहब की तरफ देख विका जी ने बड़ा गहरा विचार में पड़ जावे और अब भगवान साचा मानू हाचा मानू ईश्वर प्रार्थना करे तो उन टाइम आधी रात के समय भगवान उन्होंने सपनों देवन दर्शन देवन के राजन लो चलो उज्जैन नगर पर चलो अरे अरे राव अबे नगर उज्जैनी परो चाल अटल थारो सत तो रयो रे मई पाल राव अबे ओ देवता पाछा काया जान गयो मैं सब थारियो माया
मारो काशी राम तेरी अणले बेटो दीजो नाल तेरी भणिए मारो मने दुख था दिलो जतरो तू चले दीजो मतीना कलयुग में दीव है करणियो काचा थाने पल पल में ओ भूली जाय याद थाने गुण तेरा केला वो तान जो सभी तानियो माया बोलो श्री सर भगवान की अब ते भाई राव दे नगर उज्जैनी प्रो चाल अटल थांगो सत्रो भाई पाल राव मांग मांग थाने सनी टूटो था मांगो तैयार सुन मारो कदी फरे नहीं फूटो था के वो तो धाम परधाम वैकुंठ बैठाऊ उज्जैन नगर हाल पाछो जो थाने राजगादी बैठाऊ अब भगवान ने प्रार्थना करे अंदर था जो कुछ किदो जा बढ़िया किदो हाथ पैर दे देवे मेल मोत्या कर देवे और भगवान सनी केवे लो चलो उज्जैन नगर पर चलो केवे अंदर था मने वो वचन दे कि मने जितरो आप दुख दी दो दूसरा ने किसी दुनिया में देव मत दूसरा दो बने तुझे मर जाएगा को मत हाँ साहब कलयुग का जीव एक करणी का काचा है और अटने ने केवो नटने भूले तो आप अत्रो दुख देगा तो कुछ सपना में याद नहीं करेगा अरे राजा विक्रमादित्य की बात सुने और भगवान सनी बना के ऊपर मेहरबानी करे बोले आज के बाद दुनिया रेमाने में अत्रो दुख नहीं दूंगा सिर्फ छाया मात्र ही बरताऊंगा और ज्यादा नहीं दूंगा दुख हाँ साहब और भगवान सनी वहीं से अदृश्य हो जावे अब भाई साहब उतर पास गाड़ी गाली गला में हाथ भाई साहब जागिया देखिया हाथ रही अच्छा में पूछी बात अरे भाई साहब जागिया और हाथ पैर देख बड़ा अच्छा में पड़ गया बोले रानी मैं उज्जैन नगर को राजा हूँ मारो नाम विक्रमादित्य राजा है और आप विश्वास करो आपको मोटो भाग्य है जो कि हमारे साथ आपको व्याह व्यो है अरे भाई साहब बड़ा खुश हुए और विचार विचार में प्रातःकाल माता ने कहे माँ मैं उज्जैन नगर की महारानी बन गई हूँ अच्छी बात है बेटा तारा औभाग्य है और हाँ साहब और पूरा गांव रे माने पतो लागे कि वे उज्जैन नगर का राजा है और मारो नाम राजा विक्रमादित्य है हाथ पैर पाछा आई जावे तो यह खबर सेठ जी तक सुने सेठ जी ध्रुजता कांपता सेठानी के सेठानी जी बोलो बे कई करा अरे यानी उन टाइम में आपने क्यों दूसरो हार लेवांगा नहीं साहब मारे वही लाओ अब आप नहीं मान्या वे उज्जैन नगर का राजा बन गया अटका जमे साहब बन गया बोलो आपने जीवता छोड़ेगा बोले साहब मैं आपने ये बात नहीं क्यों आप हाथ पैर कटा जो अरे वही समय सेठ जी प्रथम अगम बुद्धि का व्याह करे तो मकान दुकान की चाबी ले चंपावत नगरी का राजा के पास जावे और हाथ जोड़ के मन लगा अरे हाथ जोड़ी ने थाने अर्ज करूं रे धनी अजियो दुर्बल शरण में आयो रे दियो हाथ जोड़ी में थाने अर्ज करे अरे हाथ जोड़ी ले थाने अर्ज करे दुर्बल शरण में आयो रे दियो कम्मा कम्मा मारे सनी शर देव ने अरे के तो दी जो धनी मने देश निकालो रे के मने तो बसूड़ा जो ने दियो कम्मा कम्मा मारे समी शर देव ने आदि ध्यावे बचावे जोरे आनंद करी दे पापी नुगराऊं दूरो जाई ने दियो कम्मा कम्मा मारे समी शर देव ने क्या वे हुक्म मारी गद्दारी है मारी भूल है और वो हार तुम्हारे घर मिल गयो अब इस समय के वे देखो सेठ जी आप चिंता मत करो मैं आप पे नाराज नहीं हूँ अरे मारे ऊपर तो एक भगवान रूठे आने वास्ते मोटा तक आयो हूँ और आप खुश रहो अपनो कार्य धंधो करो और मारा घरी को कई कार्य हुए तो आप मने बताओ जो अरे सेठ जी विचार करे अरनार तो ठीक है पर पछे हरदार है और वही समय हाथ जोड़ के वे सुनो अंधता अगर आप हमारे पे खुश हो तुम्हारे घर एक बार और शादी करो रोटी तीन बार वास्ते पधारो अब रोटी जीवर वास्ते तैयारी करे और हरदार उमराव के सहित रोटी जीवर वास्ते जावे आगे सेठ जी अनेक प्रकार का भोजन बनावे और सेठ जी वणी जगह पांतो लगावे वणी जगह बिठावे जड़ी जगह पहली रोटी खादी और खूंटी हार खादो उठे अरे अब राजा विक्रमादित्य रोटी जीमे व खूंटी एक एक बने वापस बाहर निकाले और रोटी खाई चलो कर निवृत्त हुए वटा तक वणी खूंटी के ऊपर हार नीचे गिर जावे अरे हरदार उमराव से भी जय जयकार करे सेठ जी सेठानी हाथ जोड़ के अंदर था हमारी एक कन्या है और हमारी इसी इच्छा है कि आप अपने के साथ ब्याह कर लो बोले भाई अच्छे विचार मत करो और मैं 16 राणिया घर है 17वीं उठे शादी कर ली है और आप ये विचार करो बड़ो गलत है तो फिर भी हाथ जोड़ चरणार्थ में गिर जावे तो वना की बात स्वीकार करे और वना करे ब्याह रचावे
तावड़ा धीरो पड़ जा रे तावड़ा मंदरो पड़ जा रे मारो सेल फवर सारो दीव खबरावे छाया कर जा रे डल फो डल रो बेवड़ो जी में पानी गई तितड़ाव वनासा पानी गई तितड़ाव गड़ोनी डूबे बेवड़ो जी मारी पतली कमर बल खाय पवन थोड़ो धीरो पड़ जा रे तावड़ा धीरो पड़ जा रे मारा सेल भंवर सारो दीव घबरावे छाया कर जा बोलो सनेश्वर भगवान की अब के वे प्रेम मना रहे शादी करे और हजार रुपए को द्रव्य संपत्ति सेठ जी लुटावे और राजा विक्रमादित्य के साथ भाई साहब शाणी को विवाह कर देवे अरे दो चार दिन रेवे एक शाणी दूजी पटरानी अब तो भाई दोनों पटरानी बाग बगीचा न थी जावे गो घुकरी न थी खावे अन्य प्रकारों करता करता थोड़ा दिन व्यतीत हुआ और उन्होंने गावता बजावता ढोल नगर बैंड बाजा के साथ चंपावत नगर राजमहल में पहुंची देवे अरे अब राजमहल में जावे और थोड़ा दिन के बाद एक दिन सुसरा जी ने हाथ जोड़ के वाला लगा अरे अबे परी सीख देवो नी मारा बाव जी अरे नगर उजेण मारे जावनो रे जियो अबे परी सीख देवो ने मारा बाव जी अति नगर उजेण रो राज सुनो हे ए नगर उजेण रो रे राज मारी रानी दलीचा मारो सोच करे अभी परी सीख देवो ने मारा बाप जी अरे धावे बचावे जोरे आनंद करे जो पापी नुगराऊ तो जाई जो दियो खम्मा खम्मा मारे सनीश्वर देव ने सनेश्वर भगवान की अब के भाई हुक्म मने सीख देव मारे उज्जैन नगर जानो है और 7.5 वर्ष स्थिति तय गया निवासते मारे देश में रानी दलीचा सहित मारो परिवार इंतजार देख रहे होगा मारो भी राज मानो है हाँ सब मारे घर उज्जैन नगर जावारे वास्ते सीख देव और वही समय प्रेम मनाने उज्जैन नगर के वास्ते तैयारी करे अच्छो टाइम देख और यानी शुभ समय देख उन्होंने विदा करे और विदा करे तो वही समय गाँव रे बाहर जावे गासीबा तेल ने बुलाया 1000 रुपए की संपत्ति देवे और बाद में पटू रमन्ना वे तो चालता चालता 32 दिन में उज्जैन नगर का सेमानाम पहुंचे तो गांव का ग्वाल बाल आपका देख और बड़ा खुश हुए विचार करे भी अपने गांव में कौन आ रहा चोर है डकैत थे देखो सही तो आपस में बात करे उन्होंने कही कहे अरे ई कुण आवे है रे शेर में ई कुण जावे है संकरिया रे पाछे बाड़ी कुण आवे अरे ई कुण आवे है रे शेर में ई कुण जावे संकरिया रे पाछे बाड़ी कुण आवे अरे पेलो रे ग्वाड़ो यू केवे पेलो ग्वाड़ो यू केवे थे ले वो लाकड़िया हाताड़ा फर जावो अरे ले लो लाकड़िया हाताड़ा फर जावो संकरिया रे पाछे वाड़ी कुण आवे अबे ई कुण आवे है रे अरे पेलो रे ग्वाड़ो यू संकरिया रे पाछे वाड़ी अरे दूजो ग्वाड़ो यू केवे दूजो ग्वाड़ो यू केवे ते ले वो रे लाकड़िया हाताड़ा फर जावो अबे ई कुण जावे है रे शेर में ई कुण जावे है संकरिया रे पाछे वाड़ी कुण जावे
जोग वालो यू केवे मन दी के अवतारी विक्रम राज गोपाल पाछावे शंकर यारे पाछे वाली गुण आवे पली प्रकार ओ आपस में वार्ता करे और ग्वाल बार देखे रे वीरा ये कुण है अरे? तो एक दानो आदमी जैन देखे वीरा ये तो उज्जैन नगर का राजा है अरे? खबर देवे उज्जैन में कि महाराजा गया आए बावन तोप डगाए कर्मले सभी अरसाए अरे उज्जैन नगर में खबर लागे तो राजा ने वदावारे वास्ते सभी बना के ठिकाना का जतरा भी हरदार उमरा प्रेम होना ने विदेन रावड़ा में ले जावे राज सिंहासन बेटे वनदान देवता का सुफूल बरसावे अरे धन्य है राजा जतरो भी माँ अपने दुख संताप दियो सभी आप सहन करियो और परोपकारी राजा आपके जीवन की जय जयकार हो उज्जैन नगर का राजा भगवान शनि की घर घर में कथा वार्ता सत्संग करे नोईगर का मंदिर बनावे और उज्जैन नगर में नोईगर की मूर्तियां स्थापना करे जो आज तक मौजूद है अरे और अत्री वे अणि शनि भक्त का शनि का भक्तव्या अणि संसार ने छोड़ अंत में मोक्ष की गति ने प्राप्त हुए अत्री कथा या कविराज लिखे है और कथा अति समाप्त हुए है अरे? स्वामी जय शनि देव रे प्रभु जय शनि देव रे नारद सारद सब मिल नारद सारद सब मिल जय जयकार करे जय शनि देव रे अंग से जाया अंग से उपल्या निकल रे उदर में जग जा चढ़ में आया धरती पे आन गिरे जय शनि देव हरे ओम काड़ो रूप थानो घणो विकराल है देखत असुर डरे आंसू देखत असुर डरे जो कोई शरण में आवे जो कोई शरण में आवे जाने भवते पार करे जय शनि देव रे चार पूजा थारे अतिरे सुहाली चारोई आयुध धरे हरे तारोई आयुध धरे बेसा पर असवारी बेलतनी असवारी मोटा वाहन परे ओम जय शनि देव रे नगर उज्जैन में राजा विक्रम थानी प्रगट पूजा करे हरी प्रगट पूजा करे आपरी प्रगट पूजा करे जो कोई शरण में आवे राजू जी तेली गावे सिमरिया साय करे जय शनि देव हरे